अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9A। ये जो मैथमेटिक्स बुक 1D1 सेवन्थ एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसकी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और उसका बी पार्ट। इसे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ और इसका पार्ट ए भी करवा चुकी हूँ, और मैंने इस एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट बना दी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। इसमें लिखा हुआ है गिवन दैट x ratio 3 ratio 9 by 2 is equal to 15 by 4 ratio 4 whole 1 by 2 ratio y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। मेरे पास है यहाँ पे कि x ratio 9 by 2 है, ठीक है। 9 by 2 इज इक्वल टू 15 by 4 ratio 4 whole 1 by 2 ratio y। सबसे पहले जो मिक्स नंबर में इसको ख़त्म करेंगे हम, और जब इक्वेशन में मतलब कि एक दफ़ा इक्वल टू हो फिर शुरू में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो x ratio 3 ratio 9 by 2 इज इक्वल टू 15 by 4 ratio 4 to the 8 1 9 by 2 ratio y। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 4 है, तो 4 1 4 होता है हमारे पास और 2 2 4 होता है, यानी कि इन दोनों बोथ साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इंटू 4 ratio 3 into 4 ratio 9 by 2 into 4 इज इक्वल टू 15 by 4 into 4 ratio 9 by 2 into 4 ratio y into 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x ratio 4 3 is 12 ratio 2 2 4 9 2 18 इज इक्वल्स टू 4 और 4 कैंसल आउट, 15 ratio 2 2 4 9। मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा मेरे पास, रेशियो y इंटू 4 4 y, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें 3 ratios इस साइड पे और 3 ratios इस साइड में। पहले जो हम क्वेश्चन करते रहे हैं उसमें क्या होता था हमारे पास कि बस हमारे पास 2 ratios इस साइड पे होती, 2 ratios इस साइड पे, बस उनको इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अननोन को फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 3 ratios इस साइड में, 3 ratios इस साइड में है। तो इसको करने का आसान तरीका ये है कि हम क्या कर लेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है इक्वल, यानी कि ये वाली तीनों रेशियोज इक्वल है इन तीनों के रेशियोज के। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 ratios को इक्वल रख लेंगे इन 2 first ratios के, और लास्ट 2 ratios को इक्वल रख लेंगे इन लास्ट 2 ratios के, और हम इनको इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं इसे लिख लेती हूँ कि 4x/12 रेशो डिवाइड ही होता है ना, इज इक्वल टू इसकी फर्स्ट 2 ratio यानी कि 15/18। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12/18 इज इक्वल टू लास्ट 2 ratios इक्वल होंगी लास्ट 2 ratios के, यानी कि 18/4y। ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे कि अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेंगे। तो 4 1 4 4 3 12 यानी कि x/3 इज इक्वल्स टू, ये दोनों आएंगे मेरे पास डिवाइड 3 के टेबल में, तो 3 5 15 और 3 6 18। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों मेरे पास आएंगे, ये दोनों किसके टेबल में आएंगे मेरे पास 6 के टेबल में, तो डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2 12 और 6 3 18 इज इक्वल्स टू, ये दोनों मेरे पास 2 के टेबल में आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2, 2 9 18 और 2 2 4 और साथ में y। अब क्या कर देंगे हम इनको y डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ये आ गया नीचे y। अच्छा, अब क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास हो जाएगा 6x is equal to 5 into 3 और इस साइड पे हो जाएगा 2y into 2 is equal to 9 into 3। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 6x is equal to 5 3 is 15 और इस साइड पे हो जाएगा 4y is equal to 9 3 is 27। अब बोथ साइड पे 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल आउट, x is equal to 15 बाय मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 6, और इस साइड पे मेरे पास आ जाएगा बोथ साइड पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल आउट, y is equal to 27 by 4। ये दोनों आते हैं जी 3 के टेबल में, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो x is equal to 3 5 15 और 3 2 6 और इस साइड पे 27 by 4 एज इट इज़। अच्छा, अब न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 2 4 पीछे बचा 1, तो x मेरे पास आ जाएगा 2 whole 1 by 2, x का आंसर आ गया। और यहाँ पे हम 27 को भी 4 से कर लेते हैं डिवाइड, तो 4 6 क्या होता है 24, पीछे बचे 3, तो y क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6 whole 3 by 4।
4, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास y का भी आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसमें हमने x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया और इन्हीं को हमने फाइंड आउट करना था। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 9A का जो D1 की एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।